न्यूज बायोस्कोप की खबर रंग लाई है, मुहिम रंग लाई है, क्योंकि लगातार गर्मी से बच्चे परेशान हो रहे थे। कई बच्चे स्कूलों में बेहोश हो रहे थे और स्कूलों में छुट्टियां नहीं की जा रही थी। अब के पाठक ने अपना आदेश बदल दिया है। प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को राहत दी गई है। बढ़ते तापमान के बाद 8 जून तक सभी शिक्षण कार्य बंद रहेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सीएम ने भी इसे स्कूल बंद रखने का आदेश दिया था और उसके बाद मुख्य सचिव ने तमाम जिलाधिकारियों को आदेश दिया था कि गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए फिलहाल 8 जून तक तमाम शिक्षण कार्यों को बंद रखें, यानी पढ़ाई नहीं होगी और बच्चों को छुट्टी होगी। और ये सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होता है। तो लगातार इस खबर को प्रमुखता से न्यूज बायोस्कोप ने दिखाया था कि किस तरह इस भीषण गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में, जब पारा चढ़ता जा रहा है बिहार का और पारा 45 डिग्री 42 डिग्री को पार कर रहा है, ऐसे में बच्चों को जो स्कूल बुलाया जा रहा है उनकी सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है और कई बच्चे तो बीमार भी हो रहे थे। ऐसे में अब बड़ा ये फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसे लेकर मुख्य सचिव को निर्देश दिया था और मुख्य सचिव ने तमाम जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि फिलहाल अभी लू की स्थिति को देखते हुए, मौसम की स्थिति को देखते हुए 8 जून तक कक्षाएं स्थगित की जाएं। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राजीव जी, ये बड़ी राहत है और यूं कहें कि लगातार इस खबर को न्यूज बायोस्कोप ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब के पाठक ने भी अपना फैसला बदला, सीएम ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था। फिलहाल इसे लेकर अब क्या कुछ राजनीति हो रही है और कितनी बड़ी राहत है अभी इस भीषण गर्मी में बच्चों के लिए? नहीं देखिए आशा जी, दरअसल में इस पूरे मामले में आपको पता है कि कल औरंगाबाद में सरकारी विद्यालयों के कई बच्चे जो है वो अचानक बेहोश हो गए। आज से पूरा और बेगूसराय में इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आई है और उसके बाद सरकार ने खुद संज्ञान लिया, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा और कहा कि स्कूल जो है वो तत्काल प्रभाव से इसको बंद कर दिया जाए। और उसके बाद आपदा प्राधिकरण की जो है वो एक बैठक बुलाई गई। आपदा प्राधिकरण की तरफ से भी जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने यह समझने की कोशिश की कि वाकई में जो ये हीट वेव बिहार में चल रहा है ये कब तक चलेगा। फिर मौसम विभाग के अधिकारियों को भी तलब किया गया और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो है एक लेटर जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो ACS यानी कि जो के पाठक का आदेश है स्कूल जो है वो खुले रहेंगे, उसको तत्काल प्रभाव से उस आदेश को रद्द किया जाता है और 8 जून तक जो है वो फिलहाल विद्यालय को बंद रखने का निर्देश दिया जाता है। जी आशा जी, चलिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब 8 जून तक बच्चों को ये राहत है कि उन्हें स्कूल नहीं जाना होगा इस भीषण गर्मी में, क्योंकि बच्चे बेहोश हो रहे थे, स्कूलों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे में बच्चों को अभी भी बिहार में स्कूल में बुलाया जा रहा है और ये उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि 8 जून तक प्राइवेट और सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।